सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग, राहुल प्रियंका लड़े चुनाव। सूत्रों के अनुसार एक दो दिन में हो सकता है ऐलान। चार उम्मीदवारों की कांग्रेस की एक और सूची जारी। गुरुग्राम से राज बब्बर, हिमाचल के कांगड़ा से आनंद शर्मा को टिकट, हमीरपुर से सतपाल रायजादा को मौका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ की जांच की। चापा में पार्टी उम्मीदवार और खुद को बताया शिव, कहा कि राम से कर लेंगे मुकाबला। फेक वीडियो को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर पलटवार का संविधान बदलने और आरक्षण छीनने का झूठ फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर हमला, आरक्षण संविधान पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, कहा कि जहां धर्म के आधार पर आरक्षण उसे खत्म कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री से आज होगी पूछताछ, दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस। अमित शाह फेक वीडियो केस में अहमदाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, कांग्रेस विधायक जगदीश मेवाड़ी का पीए गिरफ्तार, नौ राज्यों में मामले की जांच जारी। आज तीन राज्यों में प्रचार करेंगे अमित शाह, हैदराबाद छत्तीसगढ़ कोरबा में रैली, कर्नाटक के हावेरी में करेंगे रोड शो, तो गुजरात में पीएम मोदी करेंगे जनसभा। पीएम मोदी के भटकती आत्मा वाले बयान पर एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने पलटवार किया, कहा मेरी आत्मा किसानों के लिए बेचैन होगी। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का विवादित बयान, कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार ने मस्जिद की तरफ दिखाया तीर, क्या कुछ हो जाने के बाद ही उठोगे तुम। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में जेडीएस की बड़ी कार्रवाई, एसआईटी जांच तक सांसद प्रज्वल रेवन्ना निलंबित, राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस से जवाब मांगा। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर तेजस्वी यादव का बीजेपी पर प्रहार, कहा कि बलात्कारियों को बचा रही बीजेपी, हजारों महिलाओं के साथ हुआ शोषण। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, बीजेपी के खिलाफ की थी वोट जिहाद करने की अपील, बीजेपी का पलटवार, बोला चलेगा विकास का ही संकल्प। बंगाल में ममता बनर्जी पर बरसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले बंगाल में रामनवमी पर जुलूस पर प्रतिबंध, बंगाल में भी चाहिए यूपी का ही मॉडल। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सीएम योगी की रैली से लौट रहे कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर हमला हुआ, हमले में बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोट लगने का आरोप लगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर बदली चुनाव की तारीख, 25 मई को होगी वोटिंग, खराब मौसम के चलते तारीखों में बदलाव हुआ। पीडीएफ ने चुनाव की तारीख बदलने पर उठाए सवाल, कहा केंद्र सरकार चुनाव आयोग का कर रही इस्तेमाल, बीजेपी के फायदे के लिए बदली गई तारीख। आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने की वैधता पर दायर की गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, संवैधानिक पीठ सरकार के फैसले को ठहरा चुकी सही। संपत्ति बंटवारा विवाद पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई, सवाल किसी की निजी संपत्ति को सार्वजनिक हित के लिए किया जा सकता है इस्तेमाल। आज अयोध्या जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रामलला के करेंगे दर्शन, सरयू पूजन होगा, हनुमान आरती में शामिल होंगी। आज गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बनासकांठा और साबरकांठा में जनसभा उनकी है, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे जाएंगे वोट। यूपी के इटावा में अखिलेश यादव ने एसपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक बुलवाई, वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी पर हमला, बोला कहा साजिश का खुलासा हो गया। आज उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बदायूं आगरा में उनकी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे जाएंगे, उनकी सभा होगी। बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी आज करेंगे नामांकन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ होंगे, रोड शो निकालने की भी तैयारी है। बिहार के मधेपुरा में तेजस्वी यादव ने जेडीयू प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार पर हमला, बोला कहा कि युवाओं को नहीं मिल पा रहा रोजगार। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपनी जान देने वालों को उद्धव ठाकरे ने दी श्रद्धांजलि, मुंबई के हुतात्मा चौक पर आदित्य ठाकरे के साथ नमन किया गया। पंचम गुरु अर्जुन देव के प्रकाश पर्व पर सजा अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, एसजीपी ने की शानदार आतिशबाजी। देश के लिए नौसेना प्रमुख बने एडमिरल दिनेश कुमार, कहा नौसेना को दुश्मनों से निपटने के लिए हर समय तैयार रहना ही होगा। दिल्ली के कई स्कूल में बम की कॉल से हड़कंप मचा, पुलिस बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर। आज से सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, 19 रुपए कम हो गए दाम। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में पिथौरगढ़ की प्रियांशी रावत ने रच दिया इतिहास, 10वीं में 500 नंबर हासिल कर राज्य में किया टॉप। बिहार के सुपौल में आग से तांडव मचा, करीब 200 घर इसके जद में आए। यूपी के अमेठी में कई दुकानों में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। यूपी के बहराइच में कई घरों में अचानक आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। बिहार के वैशाली में आग से लाखों की संपत्ति राख हुई, कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका।
कानपुर में पिता ने पेश किया अनोखी मिसाल, तलाक के बाद गाजीबारी के साथ अपनी बेटी को वापस आए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बरसात से लैंडस्लाइड, गिरा पहाड़ का एक मलबा भी। झारखंड में भीषण गर्मी का प्रकोप बरकरार, 40 के पार पहुंचा तापमान। लखनऊ में इंश्योरेंस क्लेम के लिए मालिक ने खुद करवाई अपनी कार की चोरी। राजस्थान के चुरू में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 20 मिनट के अंदर अपहरण के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुंगेर में जमीन विवाद को लेकर पूरी संघर्ष की खबर सामने आई है। पाकिस्तान में दावत वलीमा की निगरानी कर रही सरकार, एक डिश ज्यादा बनाने पर रोक लगा दी गई। युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर उत्तरी गाजा में गिराई गई हवाई सहायता। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच में मुकाबला, शाम 7:30 बजे मुकाबले की शुरुआत। आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने लगातार 3rd मुकाबला गंवा दिया, कैप्टन हार्दिक पांड्या का फ्लॉप शो बरकरार है। T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड टीम की घोषणा, जोस बटलर करेंगे कैप्टनसी। T20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका की टीम का ऐलान हुआ, टेम्बा बावुमा बाहर हुए। Z News.